नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे। उसके साथ खुश रहना बहुत जरूरी है। जो लोग खुश रहते हैं उनका कोई समस्या कुछ नहीं बिगड़ पाती। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का विषय एक बहुत ही सुंदर विषय है। इस क्रिया को करने से दोस्तों जिन घरों में गरीबी या दरिद्रता ने अपना आसन जमा लिया है और वो वहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए ये क्रिया बहुत ही कारगर है। दोस्तों अथक मेहनत के बाद भी उनको परिवार का पेट पालने जितने पैसे नहीं मिल पाते हैं, उनकी कोई भी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं और वो दिन पर दिन अंदर से खत्म होते चले जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को या फिर जिनके पास जो मीडियम क्लास के लोग हैं, मीडियम क्लास से मेरा मतलब कि जो बिल्कुल गरीब भी नहीं है और अमीर भी नहीं है, पर उनकी भी सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं। वो लोगों को बताते कुछ और हैं लेकिन अंदर हकीकत कुछ और है। गाड़ी दिखावा के लिए ले लिया है, मकान ले लिया है, लेकिन उसकी भरपाई पूरी नहीं हो पा रही और लोगों को बता भी नहीं पा रहे। लोगों के सामने बोलते हम तो सुखी हैं लेकिन हकीकत में वो सुखी नहीं। उनके पास उस मात्रा में पैसा नहीं आ रहा है जितने कि उनने अपना कारोबार बना रखा है। तो चलिए दोस्तों, इस क्रिया को करने से माता लक्ष्मी के आपके ऊपर अटूट कृपा होगी और पैसे की कभी कमी नहीं होगी। ये शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, उसके साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, ये उपाय अगर ज्यादातर महिलाएं करें तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि महिलाओं के पास उतना टाइम है। पुरुष भी कर सकते हैं लेकिन महिलाओं के लिए ये क्रिया बहुत ही फलदायी होगी। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक महीने तक अपने विचार में एक ही बात सोचनी है। ये महिलाओं को सोचना है, पुरुष भी सोच सकते हैं, जो चाहे वो कर सकता है। कोई अनजान व्यक्ति आके मुझे बहुत सारा पैसा दे रहा है और मैं उससे पैसा ले रहा हूं, क्या सोचना है? एक महीने तक आपको दिन में जितनी बार हो, जब आपको लगे, आपको चाहे आप काम कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, पर आपको कभी कभी जब ध्यान आए तब आपको एक ही बात सोचनी है कि कोई अनजान व्यक्ति आके मुझे बहुत सारा पैसा, मतलब पैसे की गड्डियां दे रहा है और आप ले रहे हैं। बस आपको इतना सोचना है। आप ये एक महीने तक ये विचार अपने मन में आपको करना है। दोस्तों क्या होगा, धीरे धीरे ये विचार इतना शक्तिशाली होता चला जाएगा कि इसके अंदर एक पावर आएगा। दोस्तों आप सभी जानते हैं शब्द के अंदर भी शक्ति होती है। ये मंत्र शब्दों के द्वारा ही बने हैं दोस्तों। इसी तरह आपको सिर्फ पूरे विश्वास के साथ आपको ये सोचना है, कोई आ रहा है और आपको पैसे दे रहा है और आपने पैसे ले लिए, बस एक महीने के बाद आपको पूनम और गुरुवार एक दिन हो तब तो फिर
पूछना क्या है, नहीं तो आप गुरुवार के दिन सुबह नहा धो के स्वच्छ होके आपको स्वच्छ कपड़े पहनने और अपने पूजा स्थान में जाना है। क्या करना है, पूजा स्थान में जाना है। भगवान विष्णु की अगर आपके पास कोई मूर्ति है तो सबसे बेस्ट, और अगर नहीं है तो फिर आप कोई तस्वीर भी ले सकते, ये आपको अपने सामने रखनी है। और आपको घी का दिया जला देना, आपको पंचामृत बना लेना प्रसाद के रूप में, आपको पंचामृत बना लेना, दूध दही घी तुलसी दल और शक्कर, इसका आपको प्रसाद बनाना, पांच चीजें डाल के आपको पंचामृत बना लेना है। पंचामृत में अगर मूर्ति है तो मूर्ति को पंचामृत में स्नान करा के, फिर पानी से स्नान करा के और साफ कपड़े से पोंछ के उस स्थान पर रख के आपको एक तुलसी की माला ले लेनी है, हल्दी और सिंदूर लगा देना है, पीले गेंदा के आपको फूल लाने हैं जो भगवान विष्णु को अर्पित करना है। फूल चढ़ाने के बाद हल्दी चावल सिंदूर फूल चढ़ाने के बाद आपको एक मंत्र का 108 जाप करना है, ओम विष्णुवे नमः, एक माला जाप करना है। कौन सा मंत्र है, ओम विष्णुवे नमः, छोटा सा मंत्र है, 5 मिनट में आपकी ये पूजा हो जाएगी। माला पूरी होने के बाद भगवान विष्णु से आपको प्रार्थना करनी है, हाथ जोड़ के, हे प्रभु ये गरीबी ये दरिद्रता से मेरा पीछा छुड़ाइए, और माता लक्ष्मी की हमारे ऊपर कृपा हो ऐसी आप कृपा करो। दोस्तों समझ लीजिए कि उसी समय से आपके घर की गरीबी या दरिद्रता अपना पोटले बिस्तर बांध के वहाँ से चली जाएगी, और आपने जो विचार किया है एक महीने तो कोई आके आपको पैसे दे रहा है, दोस्तों पैसे आपके पास उसी तरह से आएंगे। तो चलिए ये क्रिया करने के लायक है, इसको समझने में कहीं कोई असुविधा होती है तो पूछे अवश्य। नमस्कार।